हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, एमसीक्यूज, वन लाइनर दिए जाते हैं जो आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी स्टेट के TGT PGT कोई भी एग्जाम हो, सबका सिलेबस सेम है। तो यदि आप मध्य प्रदेश TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल पे जुड़ जाइए और मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। परीक्षा से पहले सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UP TGT की कर रहे हैं, चाहे उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा किसी भी चीज की कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मेरे चैनल पे जो भी टॉपिक दिए जाते हैं वो एकदम ऑथेंटिक दिए जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैं जो प्रैक्टिस करा रही हूँ डेली बेसिस पे, इस पे जुड़ जाइए मध्य प्रदेश के सभी टेट वाले। और जैसे कि आप जानते हैं कि 25 अप्रैल को आपका परीक्षा है, तो 25 अप्रैल से पहले आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा सर्व शिक्षा को मान्यता कब मिली। तो भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा सर्व शिक्षा को मान्यता मिली 1882 में। यहां पे मैं केवल क्वेश्चन का आंसर दूंगी, इससे रिलेटेड थ्योरी पार्ट सभी स्टेप बाय स्टेप है। थ्योरी पार्ट आपको देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी टॉपिक चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसमें कुल सदस्य है 15, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला राष्ट्र कौन सा है। तो सबसे ज्यादा बजट में योगदान देता है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, मुर्गी का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला। तो मुर्गी का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने और जादूगरी जैसे खेलों का विकास मुसलमान काल में हुआ। एक क्वेश्चन और बहुत तेजी से पूछा जाता है दोस्तों कि योग की शुरुआत कब हुई। तो वैदिक काल से हुई। योग को ऊपर प्रतिबंध कब लगाया गया, तो मुस्लिम काल में लगाया गया। नेक्स्ट है, शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, शारीरिक शिक्षा जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। तो यह 1864 में आरंभ हुआ, जैसा कि क्रिकेट की रिलेटेड पत्रिका है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया। तो भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1952 में आयोजित किया गया। दोस्तों, एक से दो बार आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 18वीं शताब्दी में से मानी जाती है। नेक्स्ट है, NCC की स्थापना कब की गई। तो NCC की स्थापना 1948 में किया गया। नेक्स्ट है, गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने में आत्मज्ञान की प्राप्ति ज्यादा सुगमता से होगी। यह युक्ति किसने कहा था दोस्तों, इस बात को कहे थे स्वामी विवेकानंद। इसको कई प्रकार से घुमा फिरा के बोलता है, कई प्रकार बार ऐसे पूछा है कि बच्चों को भगवत गीता की अपेक्षा फुटबॉल के मैदान में खिलाना ज्यादा बेहतर है, या मतलब इसी तरह का जो कॉन्सेप्ट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है, भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय खुला था YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास में 1920 ईस्वी में HC बक के द्वारा इसको खोला गया था। सबसे पहले इसको इंग्लैंड में खोला गया था 1844 ईस्वी में, और फिर HC बक में भारत में मद्रास में इसको खोला। YMCA का फुल फॉर्म होता है यंग मैन क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्पोर्ट्स म्यूजियम अवस्थित है, तो स्पोर्ट्स म्यूजियम जो है वो है आपका पटियाला में। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है मैदान यानी फील्ड। जैसा कि आप जानते हैं सभी क्रिया मैदान में ही किया जाता है। नेक्स्ट है तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय धनुर्विद्या के लिए अद्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1932 में, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की। नेक्स्ट है स्कूल गेम फेडरेशन की स्थापना कब हुई? ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। स्कूल गेम फेडरेशन SGFI की स्थापना हुआ था 1954 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? तो वो है NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। NCTE ये क्या करती है कि संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम जो होता है उसको मान्यता देती है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक विकास है कि शारीरिक प्रशिक्षण है कि शारीरिक निष्पादन है? तो जो भी कोई भी प्रक्रिया किया जाता है यह शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कीचड़ स्नान प्रचलित था, तो मोर्डबाग जो था कीचड़ स्नान वो एथेंस में प्रचलित था, वो भी उत्तर एथेंस काल में। यहां पे डायरेक्ट एथेंस दिया है तो एथेंस ही आपका सही होगा। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो शारीरिक शिक्षा का शारीरिक कौशल का विकास करना इसका मेन उद्देश्य है। और दोस्तों आपसे में दिया रहेगा सर्वांगीण विकास, तो सर्वांगीण विकास आपका सही रहेगा। यानी कि मेन रूप से शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है शारीरिक मानसिक सामाजिक हर एक तौर पर उसको विकास करना। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो 1920 में हुआ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? यह ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ था। यह सबसे बेस्ट कॉलेज है फिजिकल एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों और बड़ों के शरीर मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है दोस्तों? इस परिभाषा को दिया है महात्मा गांधी ने। आप इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। क्या बोले हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों और बड़ों के शरीर मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। तो सर्वोन्मुखी विकास शब्द आते ही आप की पॉइंट पकड़िएगा कि महात्मा गांधी का परिभाषा है। नेक्स्ट है भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुआ था दोस्तों। जैसा कि
भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, इसका नाम बदलकर अब एसआई कर दिया गया है, अथॉरिटी शब्द हटा दिया गया है, अब एसआई हो गया है यानी कि स्पोर्ट इंडिया। नेक्स्ट, सर्वोच्च शिक्षा का ध्येय है यानी उद्देश्य क्या है, शक्ति प्राप्त करना की नौकरी प्राप्त करना की शरीर को स्वस्थ रखना की मनुष्य के लिए व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। तो सर्वोच्च शिक्षा का मुख्य ध्येय है शरीर के लिए व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट है, जर्मनी में महान शारीरिक शिक्षाविद जान बर्नार्ड बेसडो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका क्या नाम था। तो दोस्तों, जर्मनी में शारीरिक शिक्षा के पितामह कहे जाते हैं जान बर्नार्ड बेसडो, उन्होंने फिलेंथ्रोपियम नामक स्कूल की स्थापना किया था। ये सब आपको जर्मनी के, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क के इतिहास में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। उसको जानने के लिए आप सारे शिक्षा के इतिहास वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं, थ्योरी टॉपिक। नेक्स्ट है, सारे शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, मानव संबंध का विकास करना। यह कथन किसका है दोस्तों, यह कथन है चार से बूचर की। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के अर्थ और परिभाषा वाला वीडियो आप देखेंगे तो जितने भी शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड परिभाषाएं हैं की पॉइंट के अनुसार आपको एक एक ट्रिक, एक एक परिभाषा ट्रिक के साथ बताया गया है। एक बार आप वीडियो उसको देख लेंगे उसके बाद आपको सभी डाउट भी क्लियर हो जाएगा, सभी परिभाषा भी याद हो जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर देखिए। नेक्स्ट है, शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको है। तो दोस्तों, शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय है कार्ल वेल कुक को। किसको? कार्ल वेल कुक को। एक होता है किंडरगार्टन पद्धति को किसने प्रतिपादित किया, तो उसको किया है फ्रायन ने। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में कब शुरू हुआ। दोस्तों, इसकी स्थापना किया गया था, शुरुआत किया गया था 7 मई 1961 में। नेक्स्ट है, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था। तो दोस्तों, भारत में शारीरिक शिक्षा को एस सी बक ने शुरू किया था, YMCA की स्थापना 1920 मद्रास में करके। जैसा कि भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह एस सी बक को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इनका पूरा नाम है हेनरी क्रो बक, ठीक है। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ था। तो इसके, यह प्रारंभ हुआ था 1957 मध्य प्रदेश ग्वालियर में। नेक्स्ट है, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। तो भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास अंग्रेजी शासन काल से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। यह कथन किसका है दोस्तों, यह कथन है डी आबरेट यूफर का। दोस्तों, परिभाषा के लिए शारीरिक शिक्षा का परिभाषा वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए। दो से तीन क्वेश्चन अवश्य रहते हैं परिभाषा से, इसलिए आप उसको स्किप मत कीजिए। तो जहां भी आपको अनुभव का जोड़ और विशेष प्रक्रिया शब्द आ जाए वहां आप जान लीजिएगा कि आबरेट यूफर का यह परिभाषा है। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान खेल के मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं। यह कथन किसका है, यह कथन है जान पोप पाल द्वितीय का। किसका है? जान पोप पाल द्वितीय का। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 1959 में कुंदरू समिति का गठन किस लिए किया। तो इन्होंने शारीरिक स्वास्थ्यता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए कुंदरू समिति का गठन किया। नेक्स्ट है, भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहां किया गया। तो भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कर्नाटक में किया गया।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। डेली बेसिस से मेरा सीरीज देखते रहिए, एक एक पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आपके 25 अप्रैल एग्जाम से पहले सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। यदि आप यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपी टीजीटी के लिए भी बेस्ट है ये सीरीज। तो डेली बेसिस पे सभी फिजिकल एजुकेशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी मेरे चैनल पर जुड़ जाइए और डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए और अपना सेल्फ स्टडी भी कीजिए। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।